हेलो स्टूडेंट, आज मैं इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज का चैप्टर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। विद्युत मापन यंत्र को विद्युत मापन यंत्र कहा जाता है। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर आज मैं बताने जा रहा हूं। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर आप इसके नाम से ही पता चल चुका होगा कि एक किस टाइप का मीटर होता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये यंत्र इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका प्रयोग केवल एसी परिपथों में, डीसी में नहीं, एसी परिपथों में किया जाता है। ये यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल फेज एनर्जी मीटर और दूसरा थ्री फेज एनर्जी मीटर। देखिए यहां पर निगेट किया हुआ है, थ्री फेज एनर्जी मीटर, ये जो है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ये प्रत्येक डोमेस्टिक हो या कमर्शियल, सबके यहां एक एनर्जी नापने के लिए, आप कितना खपत कर रहे हैं एनर्जी उसको मापने के लिए ये मीटर लगाया जाता है। तो आगे देखें इसकी संरचना बनावट। यह सिंगल फेज, पहला देखें सिंगल फेज एनर्जी मीटर का, यह सिंगल फेज एसी स्रोत पर कार्य करने वाला यंत्र है। इसमें यू आकृति का, यू इसमें यू आकृति का, इस तरह का यू आकृति का एक विद्युत चुंबक एम होता है, एम जैसा होता है, जिसे प्रेशर क्वाइल से उत्तेजित किया जाता है। प्रेशर क्वाइल, पोटेंशियल क्वाइल से उत्तेजित किया जाता है। इस क्वाइल पतले, इसकी वाइंडिंग जो होती है क्वाइल का, पतले और अधिक टर्न में किया जाता है। इस क्वाइल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मैं पैरेलल में इसको जोड़ते हैं। दूसरा विद्युत चुंबक M2 होता है। इसमें दो क्वाइल होते हैं, एक प्रेशर क्वाइल और एक करंट क्वाइल। तो दूसरे जो होता है वह दूसरा विद्युत चुंबक M2 होता है, जो ई आकृति का होता है। ई आकृति का उसी पर इसका बाइंडिंग किया होता है। इसमें करंट क्वाइल आकृति का होता है, जिसे करंट क्वाइल कहते हैं, उसे करंट क्वाइल कहते हैं। यह मोटे एवं टर्नों की संख्या कम होती है। इसे इस क्वायर को
सीरीज में जोड़ा जाता है दोनों चुंबक के बीच, और एक प्रेशर और एक करंट जो क्वाइल जो हुआ उसके कोर पर उसकी बाइंडिंग करते हैं एम आकार और यू आकार का, उसके दोनों चुंबक के बीच एल्यूमिनियम धातु की वृत्ताकार, जो एल्यूमिनियम का एक डिस्क होता है जो वृत्ताकार होती है, एक चक्की उसको बोला जाता है, वो चक्की होती है उसके बीच में वो रखा जाता है और वही आपको मैग्नेट जब बनता है तो घूरता है। तो इसकी बनावट खत्म हुआ। कार्य प्रणाली, जब यंत्र को एसी स्रोत से तथा लोड के मध्य जोड़ते हैं तो करंट कॉइल लोड करंट के अनुक्रमानुपाती तथा प्रेशर कॉइल स्रोत वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है और वहां एक प्रकार का आघूर्ण मैग्नेट बनता है जो घूर्णन की शक्ति होती है और चक्की घूमने लगता है और वह चक्की देखकर मैं रीडिंग को नोट कर लेता हूं। तो आगे देखें इसका फिगर किस तरह का है। ये जो हो गया देखते जाएंगे, देखिए इसमें एक क्वायर बन रहा है चरण की संख्या, यह आपका स्पिंडल हो जाएगा, यहां एक पर्टिकुलर बेरिंग होता है जो सेंटर में इसको शाफ्ट को डिस्क से जोड़ता है उसको सही सेंटर पर घूर्णन करता है। ये जो हो गया एल्युमिनियम डिस्क है, यहाँ पर आपका एक प्रकार का हेवी बेरिंग है, ये फर्मा परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट जो है दिखाई दे रहा है, जो परमानेंट मैग्नेट है, ये जो हो जाएगा आपको न्यूनियम बीस, इसको हो जाएगा ये जो चक्की जो बोला जाता है, ये जो हो गया आपको करंट क्वाइल मैग्नेट, लिस्ट
नीचे चले हैं। वाइंडिंग होती है, कॉल चेक पॉइंट है ये आपका हेड, कनेक्टिंग पॉइंट है वायर जोड़ने का। कनेक्टमेंट किया, न्यूट्रल यहाँ लोड, यहाँ लोड कैसे जाएंगे, ए न्यूट्रल एसी एसी सप्लाई, यहां से एसी सप्लाई, लेकिन एम वन और एम टू को लिया है। ये जो आपका ये जो है आपको करंट कॉइल जुड़ेगा, ये जो है ये आपको भी करंट कॉइल कनेक्शन गया, और जो यहां से जो जुड़ेगा पोटेंशियल कॉइल से, पोटेंशियल कॉइल ये जो आपको दिखाई जो दे रहा है शंट मैग्नेट, इस शंट मैग्नेट ये करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल हुआ, ये आंतरिक बनावट आपका सिंगल फेज
सिंगल फेज एनर्जी मीटर का ये जो है देखिए जोड़ने का चार पॉइंट जो होते हैं, एक दो तीन चार, ये दो को सप्लाई इसमें डालते हैं, इसमें एक जो है देखिए करंट कैसे जा रही है, ये सीधे करंट कॉइल में होते हुए वो बाहर निकल जाता है, दूसरा इसी में से एक इसमें पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल देखिए ये आपका जो है ये सीरीज में है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये जो जो है ये आपका कॉइल सीरीज में, इसके रास्ता सीरीज में जोड़ने जोड़ते हैं, जब कोई कोई रेजिस्टेंस जोड़े या कोई भी जो चीज जोड़े तो वह करंट जाने का रास्ता एक ही होता है, जो आपको शायद यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक रास्ता है यहाँ से होकर यह बाहर निकल गया। और प्रेशर कॉइल पोटेंशियल कॉइल को पैरेलल में जोड़ा जाता है, उसमें रास्ता दो होते हैं, देखिए दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो यहां से देखिए यहां गया एक, यहां इसमें जाके देखिए फिर इधर से होकर फिर इसमें चला गया, और यहां से आके इसमें इधर से भी और इधर से, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलता है, डायरेक्ट इधर से देखिए इधर से पॉजिटिव मिल रहा है और यहां से ये नेगेटिव मिल गया, और इसी पॉइंट से एक हम न्यूट्रल निकालते हैं और लोड देते हैं, जो आपको डोमेस्टिक कार्डियो के लिए यहां से लोड। तो बच्चों आप इसको बढ़िया से ध्यान पूर्वक देख लेंगे, और एनर्जी मीटर का कनेक्शन आपको मैं बता चुका हूं और ध्यान पूर्वक आप करेंगे, और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगले दिन दूसरे वीडियो में मैं थ्री फेज एनर्जी मीटर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।